हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक कोर्स के बारे में, जो कि है इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो उसमें, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, किस तरह से आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, कौन कौन सी जॉब मिल सकती है आपको, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन ईजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जो होती है इन्वायरमेंट की, वो ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट डाल सकती है, ये सारी चीज़ों को हम जो स्टडी करते हैं उसको हम इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि आगे कि इन्वायरमेंटल साइंस जो होती है वो और किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस होती है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नाम से भी जानी जाती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है एक, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे दो तरह के सर्टिफिकेट कोर्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे आपका डिप्लोमा कोर्स है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सा डिप्लोमा कोर्स है। और यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री है, उसके बाद आती है यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे PhD आती है। यहाँ पे इन कुछ अलग अलग तरह के यहाँ पे आपके स्टेजेस हैं। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं सर्टिफिकेट कर सकते हैं, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर और PhD, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको एडमिशन किस तरह मिलेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे एडमिशन आपको मिलेगा यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है, इसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे क्या होता है कि कुछ कॉलेज जो अपना एंट्रेंस लेते हैं और कुछ कॉलेज जो होते हैं आपको जो 12th के मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। यहाँ पे जो भी टॉप कॉलेजेस हैं वो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे कॉलेज मिल जाएंगे आपकी सिटी में जो कॉलेज है आपको जो अच्छा लगे वहाँ पर आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे आपकी जॉब के टाइटल की, ठीक है, जॉब टाइटल आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, तो जॉब टाइटल आपका हो सकता है यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट और इन्वायरमेंटल साइंस मैनेजर, ठीक है, लेक्चरर हो सकता है, आप लेक्चरर का काम कर सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हो सकते हैं, आप ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंटल फोटोग्राफर भी कर सकते हैं आप, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया NGO में काम कर सकते हैं आप, इंडस्ट्रीज़ होती है काफ़ी सारी उसमें काम कर सकते हैं आप, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जगह है, आप एक बार नेट पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आप जब भी आप ये कोर्स करना चाहते हैं, जैसे ही आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपके फील्ड से लोग, आप ही के फील्ड से जो लोग होते हैं उनसे आप जब इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जब आप मिलते हैं तो आपको काफ़ी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड में जॉब ना हो, हर किसी फील्ड में जॉब होती है, हर किसी फील्ड में जॉब है, लेकिन बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप पता होना चाहिए किस तरह लोगों से बात करते हैं, किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह लोगों से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होती हैं तो आपको जॉब की टेंशन नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी पैकेज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोर्स को करने के लिए, जब भी आप कोई भी कोर्स करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सैलरी पैकेज क्या हो सकता है यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे जानेंगे सैलरी पैकेज के बारे में। सैलरी पैकेज क्या है यहाँ पे, आपका 3 से 4 लाख रुपये पर ईयर आप कमा सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको, तो आपकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपये हो सकती है, और अगर आपने PhD या मास्टर कर ली है तो 6 से 8 लाख रुपए पर ईयर हो सकती है आपकी सैलरी, या इससे ज़्यादा भी जा सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितनी अच्छी स्किल है, आप कितने अच्छा समझा सकते हैं, कितना अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी सिलेक्ट हो जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वारीज हो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर जोड़ देंगे। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।